हेलो फ्रेंड, हेलो एवरीवन, अमूल लाइव पेज पर आपका स्वागत है। मैं आम से हर्षिदा पटेल। आज हम बनाते हैं सिजवान नूडल्स फ्राइड राइस। तो हमें चाहिए ये अमूल का आटा नूडल्स है, जो ये मैंने बॉईल करके रखा है, अमूल का आटा नूडल्स। ये है बटर, कैबेज, गाजर, शिमला मिर्च, ऑनियन, गार्लिक, अदरक और टमाटर। और ये है राइस, ये भी अमूल का ऑर्गेनिक बासमती राइस है। ये बहुत अच्छा आता है, जो मैंने बॉईल करके रखा है। एकदम खुला खुला सा बनता है, देखो, और टेस्ट में भी एकदम अच्छा आता है। तो ये है अमूल का ऑर्गेनिक बासमती राइस। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सिजवान नूडल्स फ्राइड राइस। लेंगे थोड़ा सा तेल, और ये बटर। इसमें हम लेंगे ऑनियन, लहसुन और अदरक। हमें थोड़ा सौते करना है, इसका थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए। इसमें हम लेंगे गोभी पत्ता, गाजर और शिमला मिर्च। थोड़ा इसका कच्चापन दूर हो जाए, तब तक ही हमें इसको सौते करना है। ये थोड़ा कच्चा पक्का अच्छा लगता है, क्रंची लगता है। इसमें हम लेंगे थोड़ा सा नमक, तो हमें स्लो टू मीडियम गैस को फ्लेम पर ही कंटिन्यू रखना है कि जल ना जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये हमने अमूल बटर में बनाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और ये अमूल की ऑर्गेनिक नूडल्स भी बहुत अच्छी आती है, और कंपनियों की जगह इसे हमें यूज करते हैं तो हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। आटा नूडल्स है तो हम बच्चों को दे सकते हैं।
तब हम इसमें लेंगे टमाटर। ये है सोया सॉस, ये हमें थोड़ा सा लेना है। ये है शेजवान चटनी, और ये अमूल का टमाटो केचप है। तो हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इतनी अच्छी खुशबू आती है और दिखने में भी इतना अच्छा लगता है कि बच्चों को दिखते ही खाने का मन हो जाए। यहाँ मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, इसकी जगह आप रेड चिली सॉस भी ले सकते हो। और ये मैंने लेमन जूस लिया है, एक चम्मच, हाफ चम्मच लेमन जूस और हाफ चम्मच मैंने पानी दोनों मिक्स करके लिया है। अगर आप चाहते तो इसमें विनेगर भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने ये लेमन जूस लिया है। ये बच्चों के लिए विनेगर अच्छा नहीं है, तो मैंने ये लेमन जूस यूज किया है। अब हम इसमें ये अमूल का आटा नूडल्स है, यही मिक्स करेंगे। इसको हमें ऐसे फॉक की मदद से ही ऐसे मिक्स करना है कि हमारा ये नूडल्स कहीं टूट ना जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें रखेंगे ये हमारा राइस। इसको भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये नूडल्स और राइस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो देखो ये कितना अच्छा लगता है और खुशबू भी इतनी अच्छी आती है कि खाने का मन हो जाए। आज हम बनाते हैं शेजवान नूडल्स फ्राइड राइस। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। इस पर हम रखेंगे
थोड़ा सा बटर। तो देखो फ्रेंड्स, रेडी है हमारा सिजवान नूडल्स फ्राइड राइस। आप अमूल के नूडल्स लेकर जरूर एक बार ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू अमूल टीम।